फ्रेंड्स, मैं पम्मी कुकिंग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना चीनी बिना गुड़ का लड्डू, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। खजूर की लड्डू बनाने के लिए खजूर को हम छोटे छोटे पीस काट दिए हैं ताकि ये पीसने में आसानी हो। खजूर इसके तैयार हो गया है। एक कटोरी अखरोट ले लिए हैं, जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए हैं ताकि ये भुनने में आसानी हो। अब हम गरम कढ़ाई में डालेंगे अखरोट को और बिना घी बिना तेल के इसे धीमी आंच पे भून लेंगे। ज्यादा नहीं भुनना है हमें, खुशबू आने तक सिर्फ। अखरोट भुना गया है, अब इसे एक प्लेट में हम निकाल देंगे और इसे ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। इसके बाद डालेंगे एक चम्मच शुद्ध घी। इसके बाद डालेंगे काजू, जिसको हम छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। बादाम, इसको भी हम काट लिए हैं। और एक कद्दूकस किया हुआ नारियल। इन सभी को हम धीमी आंच पे कलर चेंज होने तक भून लेंगे। अखरोट भी पीस के तैयार हो गया है और देखिए बिल्कुल पाउडर बन गया है। ड्राई फ्रूट का कलर चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल देंगे। फिर से हम डालेंगे 2 चम्मच घी और 1 कटोरी गेहूं का आटा। अब इसे भी हम धीमी आंच पे खुशबू आने तक भून लेंगे ताकि आटे का कच्चापन निकल जाए। आटा भी भुना चुका है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब इसी कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच घी डालेंगे और पिसा हुआ खजूर डाल देंगे। और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पे भून लेंगे। भूनने से यह फायदा होगा कि हमारा लड्डू ज्यादा दिन तक चलेगा और खराब नहीं होगा। 2 मिनट भूनने के बाद गैस को बंद कर देंगे और एक एक करके सारा चीज डालते जाएंगे और साथ में मिलाते जाएंगे। इस तरह मिलाने से एक बराबर मिलेगा। अभी खजूर गर्म है तो इसीलिए हम चम्मच से मिला रहे हैं और जल्दी से मिल जाएगा। काजू बादाम और नारियल अच्छे तरह से मिल गया है। अब इसमें डाल देते हैं अखरोट पिसा हुआ, इसको भी हम मिला लेंगे। अखरोट का पाउडर भी अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम डाल देते हैं आटे को। अब ये ज्यादा गर्म नहीं है, इसको हाथ से हम छू सकते हैं, तो अब हम हाथ से मिला लेंगे। सारा कुछ अच्छी तरह से मिल गया है और कढ़ाई हल्का हल्का गर्म है, तो हम कढ़ाई से ही अब लड्डू बनाएंगे, क्योंकि गर्म गर्म में लड्डू अच्छा से बन जाएगा। ये देखिए कितना आसानी से बन रहा है, बिना चाशनी बिना गुड़ का लड्डू। इसी तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। सारे लड्डू बनके हो गया है तैयार।